फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार सोनी जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं आपके लिए इस बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेकर के आ रहा हूँ। और मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन दूंगा और ये वीडियो मेरा चैप्टर 4 का इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। तो मैं शुरू करता हूँ। चैप्टर 4 को लेकर के मैं ये सोच करके ये वीडियो दे रहा हूँ कि बहुत से ला एग्जाम्स में इस चैप्टर से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं और ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो यही सोच करके मैंने ये पूरा वीडियो ही इंट्रोडक्टरी बना दिया है। ये मुश्किल से 10-12 मिनट का वीडियो होगा। चाहूँगा मैं कि आप पूरा देखें ताकि इसका टोटल इंट्रोडक्शन आपके समझ आ जाए। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 में जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन 37 से 67 तक हैं। और इस चैप्टर का जो हेड है वो है परफॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और परफॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हमें किसी भी संविदा से उन्मुक्ति कब मिल जाती है या संविदा का उन्मोचन कब हो जाता है। आज हम पूरा फोकस करेंगे संविदा के उन्मोचन पर। तो ये अध्याय 4 है। अध्याय 4 के अंतर्गत जो कि धारा 37 से 67 तक का अध्ययन कराता है, इसमें निम्न संविदाओं को उल्लिखित किया गया है, यानी कि चैप्टर 4 के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है ये मैंने शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है। तो चैप्टर 4 के अंदर जो भी बताया गया है वो इन्हीं हेडों में बताया गया है। संविदा को लेकर के बताया गया है कि वो कौन सी संविदा है जिनका पालन करना है, जिनका पालन आवश्यक नहीं है। दूसरी बात यह है कि संविदा में पालन किसे करना होगा, पालन का समय व स्थान क्या होगा, बेतकारी वचनों का पालन, पालन की असंभवता तथा संदायों का विनियोग। चैप्टर 4 में कुल इतनी चीजें ही हमें पढ़नी है। चैप्टर 4 में जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो है सेक्शन 64, धारा 64 एवं 65 में शून्य करणी विखंडन के परिणामों का उल्लेख किया गया है, यानी कि धारा 64 और धारा 65 शून्य करणी विखंडन के परिणामों का उल्लेख करती है। धारा 66 शून्य करणी संविदा के विखंडन की संसूचना से संबंधित है और धारा 67 पालन के लिए वचनग्राहिता की उपेक्षा का प्रभाव क्या होगा यह वर्णन किया गया है सेक्शन 67 में। तो मित्रों, यह हमने जान लिया कि हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 4 में एक्चुअली क्या क्या पढ़ना है या उस चैप्टर 4 में क्या क्या दिया गया है। अब उसी में से एक हेड है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज हम इसी पर फोकस करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और इसके आगे के जो डिटेल वीडियो होंगे इंट्रोडक्शन के बाद, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो ये मेरा पहला होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इन्हीं चीज़ों का डिटेल होगा ताकि जो डीप क्वेश्चंस आते हैं वो आपको वहाँ से मिलेंगे। तो संविदाओं का उन्मोचन, सबसे सीधी बात यह है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बताया गया है कि यदि कोई दो पक्षकारों के बीच यदि कोई संविदा होती है और यदि वो पक्षकार अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर देते हैं या अपने अपने दायित्वों का पालन कर देते हैं तो फिर वो संविदात्मक दायित्व से उन्मुक्त हो जाते हैं।
तो प्रतिज्ञा पालन संविदात्मक दायित्व से उन्मुक्ति का एक तरीका है और ये सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यह कहता है कि केवल यही एकमात्र तरीका नहीं है, इसके अलावा अन्य तरीके भी हैं जिससे पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं, जिससे संविदा का उन्मोचन हो जाता है। यानी कि कुछ अन्य तरीके भी हैं जिनकी वजह से यदि उन तरीकों का इस्तेमाल दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार करता है तो वह संविदात्मक दायित्व से उन्मोचित हो सकता है। संविदा विधि के अनुसार संविदा उन्मोचन के तरीके निम्न प्रकार हैं। मित्रों, इसमें 11 प्रकार दिए गए हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है पालन द्वारा। ये सबसे अच्छा तरीका है और ये भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 37 में बताया गया है। पालन को हम लोग डिटेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा तरीका है जहां पर पालन अभिक्षम कर दिया जाता है, वो ये भी सेक्शन 37 में ही बताया गया है कि यदि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को पालन से अभिक्षम कर दिया है, इस संबंध में हम लोग डिटेल आगे देखेंगे। तीसरा तरीका है पालन की निविदा अस्वीकार करने पर, यह सेक्शन 38 में बताया गया है कि यदि कोई पक्षकार पालन की निविदा को अस्वीकार कर देता है तो उसके क्या परिणाम होंगे और कैसे वो स्वीकार या अस्वीकार की स्थिति क्या होगी। इसके बाद चौथा तरीका है एक पक्षकार द्वारा इनकार किए जाने पर, यह धारा 39 में बताया गया है, सेक्शन 39 में बताया गया है। और इस तरीके को संविदा भंग भी कहते हैं। यानी कि यदि एक पक्षकार द्वारा इनकार कर दिया जाता है यदि अपनी प्रतिज्ञा अपने दायित्व के पालन से, तो हम इसे संविदा भंग भी कहते हैं। और बहुत सी परीक्षाओं में मैंने देखा है कि संविदा का उन्मोचन किसके द्वारा नहीं होता है और 4 प्रकार दे दिए जाते हैं और इस प्रकार को वो संविदा भंग लिख देते हैं। और हम लोग पढ़ लेते हैं कि एक पक्षकार द्वारा इनकार किए जाने पर अब होता तो संविदा भंग ही है, लेकिन हम ये दिमाग में नहीं आता उस समय या नहीं रखते हैं कि इस तरीके को संविदा भंग भी कहते हैं और वो क्वेश्चन हमसे मिस हो जाता है। तो इस तरीके को संविदा भंग भी कहते हैं, इनकार के तरीके को संविदा भंग भी कहते हैं और ये सेक्शन 39 में बताया गया है। पांचवा तरीका है कार्य का असंभव या विधि विरुद्ध हो जाना, ये सेक्शन 56 है। कार्य का असंभव या विधि विरुद्ध हो जाना यानी कि जब पक्षकारों के मत जो संविदा हुई है उस संविदा का जो मूल है यदि वह विधि विरुद्ध हो जाए या ऐसी स्थितियां बन जाएं जिससे संविदा का पालन ही असंभव हो जाए, तो ये सेक्शन 56 में इसको संविदा के नैराश्य का सिद्धांत भी कहते हैं। ये डिटेल वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। छठवां तरीका है नवीकरण से, ये धारा 62 सेक्शन 62 में बताया गया है। और नवीकरण जो है बाय एग्रीमेंट किया जा सकता है और यदि आपने संविदा का नवीकरण करा लिया है एग्रीमेंट के द्वारा तो फिर आपको पुराने संविदा के पालन की आवश्यकता नहीं है, आप पुराने संविदा से उन्मोचित हो जाएंगे और उसकी जगह एक नई संविदा ले लेगी, डिटेल आगे देखेंगे। इसके बाद है सातवां तरीका अभित्याग से, यह सेक्शन 63 में बताया गया है। और ये अभित्याग यानी कि बाई वेवर, यानी कि यदि हम बाई वेवर जो ये वर्ड है ये अभित्याग का ही इंग्लिश रूपांतर है। और यदि हम संविदा में अभित्याग की स्थिति दोनों पक्षकारों में से कोई करता है बनाता है या संविदा का अभित्याग ही कर देता है, और इसकी डिटेल को हम आगे लेंगे, तो यह सातवां तरीका है। और यह अभित्याग के द्वारा जो संविदा का उन्मोचन होता है यह धारा 63 में बताया गया है। आठवां तरीका है संविदा संतुष्टि से, यह भी धारा 63 में बताया गया है। और संविदा संतुष्टि के अंतर्गत न्यू एकार्ट एंड परफॉर्मेंस आएगा, यानी कि नए तरीके से जो नई संविदा होगी वो हमें संतुष्टि के लिए उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस देना होता है।
नवा तरीका है सून करणी संविधाओं के विखंडन से। यह धारा 64 यानी कि सेक्शन 64 में ICA में बताया गया है कि सून करणी संविधाओं के विखंडन से भी संविधाओं का उन्मोचन हो जाता है। दसवां तरीका है संविधा पालन के लिए सुविधाएं देने से प्रतिज्ञाग्राहिता यानी कि जो प्रमिजी होता है प्रमिजी के असफल होने पर, यह सेक्शन 67 में बताया गया है और महत्वपूर्ण है। संविधा पालन के लिए सुविधाएं देने से प्रतिज्ञाग्राहिता के असफल होने पर यानी कि अगर संविधा के अंतर कोई ऐसे दायित्व है कि जो प्रतिज्ञाग्राहिता है वो संविधा पालन के लिए सुविधाएं देगा उपलब्ध कराएगा और यदि वह उपलब्ध कराने में असफल होता है तो उसके क्या परिणाम होंगे, ये 67 में बताया गया है। और अंतिम तरीका है विधि प्रवर्तन से बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ से। और विधि प्रवर्तन में तीन तरीके आते हैं कि विधि प्रवर्तन का मतलब है कि हम विधि में बताए गए जो तरीके हैं वो जो उन तरीकों से यदि हम संविधा का उन्मोचन चाहते हैं तो तीन स्थितियां होंगी तभी संविधा का उन्मोचन हो पाएगा विधि परिवर्तन से। पहला, या तो विलय हो जाए या संविधा में परिवर्तन हो जाए या फिर दिवालिया होने से यानी कि दोनों पक्षकार में से कोई एक पक्षकार दिवालिया हो जाए या दोनों मिलकर के संविधा में परिवर्तन कर ले बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ या फिर उसका मर्जर कर दे किसी अन्य के साथ। तो इस तरह से मित्रों हमने देखा कि यह एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है और यह संविधा अधिनियम के अध्याय 4 को लेकर के इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने आपको दिया है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए मैंने ये इंट्रोडक्टरी वीडियो देने की कोशिश की है। और यदि ये एक छोटा सा मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो जो डिटेल वीडियो होगा मैं बहुत जल्दी ही देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद मित्रों।